तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैग्ना i20 है, 2013 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। तो इसका जब ये गाड़ी जब मेरे पास आई तो मैंने इसका कंप्रेसर चेक किया तो कंप्रेसर फेल हो चुका था, यानी 60 के ऊपर प्रेशर बता रहा था, जो कि सक्शन प्रेशर एसी चालू करने के बाद। तो मैंने इसका कंप्रेसर निकाला, निकालने के बाद रिपेयरिंग को डाला। रिपेयरिंग को जब डाला ना तो खोल के देखा, कंप्रेसर कंडीशन फुल, दिखने में फुल कंडीशन रहता है, लेकिन बट फिर फिटिंग किया इसको मैंने, फिटिंग करने के बाद पंपिंग इसका 60 के ऊपर ही बता रहा था। फिर मैंने दूसरा कंप्रेसर डाला, दूसरा कंप्रेसर डालने के बाद भी वही सेम प्रॉब्लम आता है। फिर मैंने नया कंप्रेसर डाला, नया कंप्रेसर में भी उतना कूलिंग नहीं आ रहा है जितना कि आना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसमें दूसरी गाड़ी का कंप्रेसर डाला है, जो कि इलाइट i20 का कंप्रेसर डाला है, पेट्रोल का, जो कि मैं आपको बाहर दिखा देता हूं। तो हेलो दोस्तों, आपकी अगर भी मैग्ना है, 2013 का मॉडल है, अगर आपका ये कंप्रेसर फेल हो जाता है तो नया मत डालिएगा, जुगाड़ करके दूसरी गाड़ी का कंप्रेसर इसमें डालिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलो मैं आपको बाहर दिखा देता हूं। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, ये वाली कंप्रेसर हम उसमें फिटिंग करने जा रहे हैं। बस ये वाली कंप्रेसर में सिर्फ आपको एडाप्टर लगाना पड़ेगा, जो ये एडाप्टर देख पा रहे हैं आप, ये वाली एडाप्टर लगाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल आता है, जो कि उसमें सादा वाल रहता है। और ये वाली जो कंप्रेसर है आपका क्लच लेस कंप्रेसर है, जो कि वो वाली कंप्रेसर में मैग्ना में जो दिया हुआ रहता है उसमें क्लच वाला कंप्रेसर आता है। और कंप्रेसर की सॉकेट से जो वो एक वायर आती है ग्रे कलर की, वो इसमें आप डाल देंगे तो कंप्रेसर आपका इंगेज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल चालू हो जाएगा, तो ये वाली कंप्रेसर उसमें बैठ जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देख रहे हैं कंप्रेसर फिट हो चुका है प्रॉपर तरीके से, आप देख पा रहे हैं कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो चुका है। ऑल्टरनेशन करके आप देख पा रहे हैं, ऑल्टरनेशन किया हूँ, जो कि मैग्ना का कंप्रेसर, इसमें जो कंप्रेसर रहता है मैग्ना कार है, इसका कंप्रेसर निकाल के हम, क्योंकि कंप्रेसर फेल हो चुका था तो नया भी कंप्रेसर आप डाल देंगे तो कूलिंग उतना प्रॉपर नहीं होगा, इसके वजह से हमने इसमें देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। इलाइट i20 का कंप्रेसर डाले हैं इसमें ऑल्टरनेशन करके, 2016 मॉडल का कंप्रेसर डाला हूं मैं, आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। ये एडाप्टर सिर्फ आपको चेंज करना पड़ेगा, एडाप्टर डालना पड़ेगा, बाकी और दूसरा कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं आपको। और कंप्रेसर जो कि अल्टरेशन करके आपको दूसरे गाड़ी का कंप्रेसर इसमें डालना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बेल्ट निकला हुआ है, बेल्ट में फिटिंग कर देता हूं इसमें, फिर आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गाड़ी वही है, मैं इसमें बेल्ट फिट कर चुका हूं। नहीं तो आप कहेंगे कि दूसरी गाड़ी है, इलाइट i20 है, नहीं, गाड़ी वही है, आप देख लीजिए प्रॉपर तरीके से। और बेल्ट में फ़िट कर चुका हूँ, जैसा कि आपको आप देख पा रहे हैं बेल्ट फिट हो चुकी है और प्रॉपर तरीके से एकदम बिल्कुल मस्त तरीके से फिट हो चुका है। और ये वाली वायर जो है, मैं आप जो कंप्रेसर की सॉकेट में से आया है, ये वाली वायर इसमें आप डाल देंगे, जो वायर आपको मैंने कट किया हुआ दिखाया। तो सिर्फ आपको यहाँ एक पाइप जो है ना, ये पाइप आपको अर्जेंट देगा, तो ये पाइप को आप थोड़ा सा बेंड कर देंगे ना तो हो जाएगा डिस्चार्ज वाली पाइप। और ये एडाप्टर बैठाने का मकसद यही है कि आप कंप्रेसर के अंदर की जो सॉकेट है, सॉरी बोल्ट का थ्रेडिंग जो है, ये इस साइड दिया हुआ है, और ये एडाप्टर लगाने के बाद मैं अपना थ्रेडिंग यानी बोल्ट एडाप्टर बैठाने का जो बोल्ट बैठेगा पाइप का, तो उस साइड आ गया है, बस यही रीज़न है, बाकी दूसरा और कुछ रीज़न नहीं है। बाकी प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे हैं सब प्रॉपर फिट हो चुका है। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बाहर दिखाया, इलाइट i20 2016 मॉडल का पेट्रोल कार का कंप्रेसर मैंने किस तरीके से मैग्ना यानी i20 मैग्ना 2013 मॉडल पेट्रोल कार में किस तरीके से बैठा दिया। क्यों बैठा है? क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है ना, एक बार अगर फेल हो जाता है ना तो आप इसको नया भी कंप्रेसर इसमें डाल देंगे ना तो कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, कूलिंग की कैपेसिटी जितनी रहती है उतनी नहीं होता है। तो इसके वजह से मैंने इसमें अल्टरनेशन करके कंप्रेसर डलवाया है। तो जैसा कि आप देख पा दिखाया मैंने आपको, आपका भी अगर मैग्ना है, कूलिंग की कैपेसिटी अगर कम हो जाती है या फिर कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप भी अल्टरनेशन नया कंप्रेसर ना डलवा करके अल्टरनेशन करके ही कंप्रेसर डलवा दे, जैसा कि मैंने आपको बाहर दिखाया। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ प्लीज़।